नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर। मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड द्वारा शनिवार को हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षाफल घोषित किया गया, लेकिन इस बार के परीक्षाफल में विद्यालयों में खास उत्साह नहीं देखने को मिला। ज्यादातर विद्यालयों ने अपने छात्र छात्राओं के प्रतिशत भी नहीं उपलब्ध कराए। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यूपी बोर्ड ने इस बार जिलेवार मेरिट सूची जारी करने से भी मना कर दिया था। हालांकि कुछ प्राइवेट विद्यालयों ने अपने अपने विद्यालयों की मेरिट सूची जरूर उपलब्ध कराई, जिसकी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। क्योंकि कोरोना काल के चलते बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी और छात्र छात्राओं को उनके 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं के बोर्ड व होम एग्जामिनेशन के आधार पर प्रमोट किया गया है। बता दें कि जिले में यूपी बोर्ड से संबद्ध 396 राजकीय, प्राइवेट व वित्तविहीन विद्यालय हैं। इस वर्ष हाईस्कूल में 46,790 व इंटरमीडिएट में 40,329 बच्चे जिले में पंजीकृत थे। आपको बता दें कि हाई स्कूल में प्रदेश में 29,96,031 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 29,82,055 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और उत्तीर्ण प्रतिशत 99.53 रहा, जबकि इंटरमीडिएट में 26,10,247 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 25,54,813 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रतिशत 97.88% रहा। अब हम आपको सीतापुर के विभिन्न विद्यालयों के प्रदर्शनों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद की। हाई स्कूल में योगेश गुप्ता, योगेंद्र प्रताप सिंह, राम लखन व विजय कुमार यादव ने 95.80% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं मनोज सिंह व आशीष कुमार श्रीवास्तव ने 95.60% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उमेश चंद वर्मा ने 95% अंकों के साथ विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में राजबहादुर यादव ने 93.80% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, अनिल वर्मा ने 93.40% अंक अर्जित कर दूसरा, जबकि संदीप कुमार ने 93.20% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज महमूदाबाद में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के परीक्षा फल में केवल प्रमोटेड ही अंकित होकर आ रहा था, जिस कारण यहां की मेरिट सूची जारी नहीं हो सकी। जबकि इंटरमीडिएट में श्रुति श्रीवास्तव ने 89.80% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, आरायश ने 89.40% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा, जबकि निर्मल पोरवाल ने 89% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सेठ राम गुलाम इंटर कॉलेज महमूदाबाद में हाई स्कूल में अर्पिता पटेल ने 91.66% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, हर्षित शुक्ला ने 91.50% अंक अर्जित कर दूसरा व हरिवंश कनौजिया ने 91.33% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि इंटरमीडिएट में आराधना वर्मा ने 90.60% अंक अर्जित कर विद्यालय टॉप किया। इसके अतिरिक्त हर्ष वर्मा ने 89.20% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा और आशुतोष वर्मा ने 88.20% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रकाश विद्या मंदिर महमूदाबाद में हाई स्कूल में विवेक कुमार ने 89.50% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि इम्तियाज अहमद व स्वतंत्रता संतोषी ने 89.16% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि अभिषेक वर्मा ने 88% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि इंटरमीडिएट में सादिया खातून ने 92% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, आयुष वर्मा व उपेंद्र कुमार ने 90.60% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से दूसरा व दिव्या वर्मा ने 89.60% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज बिलौली बाजार में हाई स्कूल में वंदना ने 89.16% अंक अर्जित कर विद्यालय टॉप किया। विद्यावती ने 88.33% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा, पूजा वर्मा व अनामिका मौर्य ने 87.83% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि इंटरमीडिएट में जूली वर्मा ने 88.40% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, शालिनी वर्मा ने 88.20% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा, प्रज्ञा कश्यप ने 88% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त। जुगल किशोर गोविंद प्रसाद सावित्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लहरपुर में इंटरमीडिएट में
सत्यम शुक्ला व सताक्षी मिश्रा ने 88.60% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से टॉप किया। गीतिका मेहरोत्रा ने 88% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व शिवांगी वर्मा ने 85.40% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त हाईस्कूल में मानसी जायसवाल व आयुष पाधा ने 92.30% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से पहला, कुशाग्र पांडे ने 91.80% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा, जबकि इक्षा सिंह ने 91.50 अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली हाई स्कूल में मोहम्मद जावेद ने 91.83% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, कीर्तिमा ने 91.66% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व खुशी तिवारी ने 90.83% अंक अर्जित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि इंटरमीडिएट में रुचिता अवस्थी ने 89% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, आशीष सिंह ने 85% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा, जबकि प्रीति मौर्य ने 83.20% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। विशंभर नारायण इंटर कॉलेज सीतापुर में हाई स्कूल में शैवी मिश्रा व पीयूष मिश्रा ने 90% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से टॉप किया। इसके अतिरिक्त गुनगुन कश्यप व तस्यम ने 89% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से दूसरा व ऋषिकेश मिश्रा ने 88% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि इंटरमीडिएट में अभिजय चतुर्वेदी ने 79.50% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। कपिल वर्मा ने व अमित तिवारी ने 78.20% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब बात करते हैं शहर के कनवाखेड़ा स्थित पीएन सैगल इंटर कॉलेज। यहां हाई स्कूल में नुमा जेहरा ने 91.30% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, ध्रुव नारायण सेठ ने 90.83% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व सौरभ ठाकुर ने 90.66% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि इंटरमीडिएट में सानिया जेहरा ने 87.80% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, काजल भार्गव ने 85.40% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व शिविका यादव ने 85% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सुमित्रा इंटर कॉलेज सीतापुर में हाई स्कूल में शिक्षा दीक्षित ने 91.33% अंक अर्जित कर विद्यालय टॉप किया। जबकि नीलांशी शुक्ला ने 89.67% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व मुस्कान शुक्ला ने 89.16% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि इंटरमीडिएट में अपूर्वा सिंह ने 87.80% अंक अर्जित किए और विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। श्रेया राठौर ने 87% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व काजल वाजपेयी ने 86% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज बॉयज सीतापुर में हाई स्कूल में आयुष राजवंशी ने 89.67% अंक अर्जित कर विद्यालय टॉप किया। ऋषि पांडे ने 88.17% अंक अर्जित कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। मोहम्मद यासीन गाजी ने 87.17% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में आशीष गौतम ने 86.80% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, कुलश्रेष्ठ पांडे ने 86.40% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा, जबकि सचिन कुशवाहा व तेजस्वी मोहन ने 85.60% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीतापुर में हाई स्कूल में यश चौहान ने 93% अंक अर्जित कर विद्यालय टॉप पर अपना परचम लहराया। जबकि निरंजला पांडे ने 92.88% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व आरुषि जायसवाल ने 92.50% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि इंटरमीडिएट में प्रतिभा वर्मा ने 88% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला, अंशिका सिंह ने 86.40% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा, इलिशा पांडे ने 85.80% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। एचआरडी इंटर कॉलेज बिस्वा में इंटरमीडिएट में रोहित वैश्य ने 86% अंकों के साथ विद्यालय टॉप किया। जबकि मधुदीप श्रीवास्तव व तारिक खान ने 85.40% अंक अर्जित कर विद्यालय में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त शिवा रस्तोगी ने 84.60% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। आदर्श कैलाश नाथ इंटर कॉलेज लहरपुर में इंटरमीडिएट में वत्सल वाजपेयी ने
80.60% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला। साक्षी मिश्रा ने 77.40% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व श्रेष्ठा वाजपेयी ने 76.20% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज मिश्रिक में इंटरमीडिएट में रितिका रानी ने 84.60% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला। आकर्षिका वर्मा ने 83.80% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा। आस्था पांडे ने 82.80% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भगवत मेमोरियल इंटर कॉलेज मिश्रिक में हाई स्कूल में शिवांश मिश्रा ने 87.60% अंक अर्जित कर विद्यालय टॉप किया। प्रदुम्न ने 87.30% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व आयुष मिश्रा ने 86.30% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में अर्पिता पाल ने 86.20% अंक अर्जित कर विद्यालय में पहला। प्रांजलि वैश्य ने 85.20% अंक अर्जित कर विद्यालय में दूसरा व रिंकी देवी ने 84.60% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया।